नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस को लेके आज मैं आपको दो बिंदुओं पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला हूँ। पहला तो ये कि पति के विरुद्ध जब पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस करती है तो पति के खिलाफ एक पक्षी आदेश कब होता है, यानी एक्स पार्टी ऑर्डर कब होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन से धारा के अंतर्गत जो कोर्ट होता है वो एक्स पार्टी ऑर्डर करता है पति के विरुद्ध, और दूसरा बिंदु ये है कि जब पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पति के विरुद्ध केस करती है तो उसमें कितनी बार पति के विरुद्ध नोटिस निकाला जाता है, यानी कितनी बार पति को नोटिस भेज के बुलाया जाता है, और उसके बाद भी अगर पति कोर्ट में आके हाजिर नहीं होता है तब जाके कितनी बार नोटिस भेजने के बाद पति के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाता है, यानी कितने नोटिस भेजने के बाद पति के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाएगा, दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन दो बिंदुओं के ऊपर नॉलेज देने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपका भी सपना है कि आप PCSJ एग्जाम को क्रैक करके जज बने? तो अब आप अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने PCSJ एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं। आपको कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही स्टडी करेंगे, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने PCSJ के एग्जाम को क्रैक करके अपने जज बनने को सपने को पूरा भी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 4 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अनअकैडमी पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकती हैं, व साथ ही साथ रूटीन पीरियड में आपकी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो देखिए, हमारे पास दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि पति के विरुद्ध कब एक पक्षी आदेश यानी एक्स पार्टी ऑर्डर कब होता है, और दूसरा सवाल यह है कि कितने नोटिस भेजने के बाद भी अगर पति कोर्ट में नहीं आता है तब जाके एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल का जवाब समझते हैं और इसके लिए कहां प्रावधान किया गया है, कौन सी धारा में प्रोविजन किया गया है, उसे हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे आसान भाषा में समझा दूंगा। CRPC सेक्शन 126 यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 जिसमें 125 CRPC में जो मेंटेनेंस के लिए केस किया जाता है उसकी प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया है, और इसी धारा में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक पक्षी आदेश कब किया जाएगा। तो एक पक्षी आदेश के लिए ऐसा प्रोविजन किया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने का प्रस्तावना है तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले को एक पक्षी रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। तो देखिए, 126 सीआरपीसी में प्रक्रिया बताई गई है कि 125 सीआरपीसी की क्या प्रक्रिया होगी, केस कहां पे दर्ज कराया जाएगा, कैसे कैसे केस चलेगा, कब एक पक्षी आदेश होगा, एक पक्षी आदेश को कब वापस लिया जाएगा। तो 126 सीआरपीसी के अंतर्गत ही यह प्रक्रिया बताई गई है कि अगर पति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो कब जाके एक पक्षी आदेश पति के विरुद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा 126 सीआरपीसी में, जैसा आपने देखा वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि
व्यक्ति जिसके विरुद्ध केस किया जा रहा है, तो मान लीजिए पति के विरुद्ध केस किया जा रहा है और ऐसे में जो पति है वो जानबूझ के नोटिस को तामील नहीं कर रहा है या फिर कोर्ट में आने से बच रहा है, तामील का मतलब है वो जानबूझ के नोटिस को रिसीव नहीं कर रहा है या फिर कोर्ट में आने से बच रहा है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है वो एक पक्षी कार्यवाही के लिए अग्रसर होंगे, यानी जब कोर्ट के द्वारा नोटिस भेज दिया जाता है और उसके बाद जो पति है वो जानबूझ के नोटिस रिसीव नहीं कर रहा है या फिर जानबूझ के कोर्ट नहीं आ रहा है, और जब यह चीज मजिस्ट्रेट को प्रतीत हो जाती है, वो मान लेते हैं, उनके पास विश्वास करने का कारण हो जाता है कि जो पति है वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा है, नोटिस को तामील नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए अग्रसर होंगे। यानी जो जज साहब होते हैं, जब वो ये विश्वास कर लेते हैं कि पति जानबूझ के नहीं आ रहा है, नोटिस को जानबूझ के तामील नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो इसमें यही चीज है कि मजिस्ट्रेट को जब भी लग जाता है कि हाँ जो पति है वो जानबूझ के न्यायालय में नहीं आ रहा है, नोटिस को रिसीव नहीं कर रहा है, तो उसी समय वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देंगे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया गया है या फिर कहीं कोई नियम नहीं दिया गया है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कब की जाएगी। जब भी मजिस्ट्रेट साहब को ये लग जाता है कि जो पति है वो जानबूझ के नहीं आ रहा है, नोटिस को नहीं रिसीव कर रहा है, तो ऐसे में उसी समय वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि कितने नोटिस भेजने के बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की जाएगी। तो देखिए, इसका भी कहीं प्रोविजन नहीं किया गया है 126 सीआरपीसी में, जो अभी मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दिया उसी में इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि कितने नोटिस भेजने के बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की जाएगी। तो देखिए, जब भी मजिस्ट्रेट साहब को यानी जज साहब को यह प्रतीत हो जाता है कि जो पति है वो जानबूझ के न्यायालय में नहीं आ रहा है, नोटिस को तामील नहीं कर रहा है, तो उसी समय वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देंगे। कहीं भी कोई संख्या नहीं बताई गई है। यदि पहली बार ही नोटिस भेजा जाता है, पति जो है वो जानबूझ के उसे रिसीव नहीं करता है, लेने से मना कर देता है, तो ऐसे में उसी के आधार पर जो जज साहब है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देंगे, या फिर अगर नहीं ऐसा होता है, पति नहीं रहता है घर पे, कहीं गया रहता है, नोटिस जब जाता है तो कोई उसे रिसीव नहीं करता है, ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब दूसरी बार नोटिस भेजने का आदेश कर सकती हैं। अगर उस समय मजिस्ट्रेट साहब को लग जाता है कि हाँ अब दूसरी बार जो नोटिस भेजा गया है उसे पति ने जानबूझ के रिसीव नहीं किया, जानबूझ के तामील नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसी समय वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर कर सकती है और प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। तो यह चीज कहीं निश्चित नहीं की गई है कि कितनी बार नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की जाएगी। मजिस्ट्रेट साहब को जब भी लग जाएगा, यह प्रतीत हो जाएगा कि जो पति है वो जानबूझ के नोटिस नहीं रिसीव कर रहा है, नोटिस को नहीं तामील कर रहा है, कोर्ट में आने से बच रहा है, जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब उसी समय एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर कर सकती है। किसी प्रकार की कोई इसके लिए विशेष नियम नहीं बनाया गया है, ना ही ये बताया गया है कि कितनी बार नोटिस भेजा जाएगा। तो शायद अब आप सारी चीजों को समझ चुके होंगे और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो समाप्त हो चुका होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।